ओम शांति। 6/1/2022 मधुर संतान गण, देह अभिमान द्वारा ही विकर्म होइथाय, सेथिपाई प्रतिज्ञा कर जे अन्य सब संग तुटाई जनंकर संग करिबु। प्रश्न, केउ खेल प्राकृतिक अटे किंतु मनुष्य माने ताको ईश्वरकृत बोली भावुछन्ति? उत्तर, ड्रामा रे जे प्राकृतिक विपर्य आसीथाय बिना समय समुद्र गोटे लहरे सब राष्ट्र टापु आदि बुड़ी जाए, जहार पूर्वाभास एवं भी हो चली, एसबू प्राकृतिक खेल अटे, यह मनुष्य मैंने ईश्वर खेल बोली कहीदे। किंतु बाबा कहते मु कौन से निर्देश देना, यह सब ड्रामा रे निर्धार्य हो रही। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे, ओम शांति। किए आसला अर्थात कहार याद आसला, यहपरी नुहे जे ईश्वर आसी हृदय बसीगले ताहले तो से सर्वव्यापी होइजिबे ना। मोर स्मृति रे किए आसिले अकाल मूरत, जहाँ को काल खाईपरिब ना। सिख मानक पाखरे अकाल तखत मध्य रही, पाखरे अकाली लोक अच्छा, से माने निजे भी बुझिपारती ना जे सिख धर्म प्रवृत्ति मार्गर धर्म अटे। एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाए। द्वितीयटी हेउछि निवृत्ति मार्गर सन्यास धर्म, घर द्वार छाड़ी हद्र सन्यास करी पवित्र होइथांती, जंगले तो निश्चय पवित्र ही रहुथिबे। प्रत्येक धर्मर नीति नियम अलग अलग अटे, शिक्षा मध्य अलग अटे, ताहा हेउछि निवृत्ति मार्गर धर्म। सेमानंकु अनुकरण करले घर द्वार छाड़ी कौपिनी पिंधिबा को पड़िबो, जदियो सेमाने कहुचंती जे घर गृहस्थ रही मध्य ज्ञान पाईपरिबो किंतु ता कौनसी ज्ञान नुहे ना। सन्यासी माने एपरी कराई परिबे, वास्तवरे सिए ही गुरु जे कि सद्गति देइथांती। सिए तो जणे ही अटंती, गुरु नानक मध्य शिक्षा देइछंती, सिए भी परमात्मांकर ही महिमा करिछंती। एक ओंकार अकाल मूरत, तुमको एबे सही अकाल मूरत अर्थात परमपिता परमात्मा ही स्मृति रही। से माने महिमा करुछंती अकाल मूरत अजोनी संभूता अटंती, स्वयंभू अर्थात निजे रचयिता अटंती, निर्भय निर्बेर अकाल मूरत सद्गुरु प्रसाद जप साहेब आदि महिमा परमपिता परमात्मा अटे। से माने अकाल मूरत को ही मानि थांती, से माने कहते सत्ययुग ही सत्य स्थापना करता मध्य सत्य, पुणी एक कथा भी कहते जे मैला वस्त्र अर्थात शरीर सफा करुछंती, पतित पावन अर्थात आत्मारूपी मैला कपड़ा को सफा करुछंती, बाबा आसी सफा करुछंती सेथिपाय तांकर महिमा गाउछंती। पुणी कहते असंख्य चोर हमारा खोर, यह भी वर्तमान समय महिमा अटे। पुणी नानक कहते निजक अति साधारण मन कर, प्रति समर्पण हो जाओ, निश्चय जब सी आसुंच तेब से समस्त समर्पण हो जाऊ। बाबा कहते महल्या मानकर गणिका मानकर साधु मानकर मध्य उद्धार करने को आसुचे, तबे निश्चित तो समस्ते पतित अटंती। एबे यह हूँ बेहतर कथा, तबे निश्चय बेहतर मालिक ही बुझाइबे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मोर रचना अटंती, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्म विनाश होइथाय। अन्य माने सी आसुचंती, अन्य माने जी आसुचंती से माने केवल निज धर्म स्थापना करुछंती। एपरी नुहे जे गुरु माने सद्गति दाता अटंती, सद्गति कहार करिवे, सेमानंकर वंशावली रे संपूर्ण वृद्धि होना ही तो सद्गति किपर करिवे। बाबा कहते मु आसी आदि सनातन धर्मर स्थापना एवं अधर्मर विनाश कराऊ। वर्तमान समय समस्ते तम प्रधान पापात्मा हो जाए, जो मनुष्य मैंने अधर्मर विनाश कराऊ, जो मनुष्य मैंने बेहद ड्रामार पार्ट धरी अटंती, से मैंने जानवा दरकार जे सृष्टि चक्र किपर घूरू। बाबा आसी आम मान को त्रिकालदर्शी कर, एक बुझी जे बाबा आसी निश्चय स्वर्ग सत्य राष्ट्र स्थापना करेंगे, मिथ्या राष्ट्रर विनाश करेंगे।
सत्य राष्ट्र स्थापनकर्ता सत्य अटंती ना ए सब कथा बाबा ही बुझाउछंती समस्ते तो धारण करि परिबे नाही काहेकि ना देह अभिमान बहुत रहिछ जेतिके जेतिके देही अभिमानी हेबे निजको अशरीर आत्मा बोली भाबिबे बाबांको याद करिबे तेबे धारणा मध्य हेबो देह अभिमान मानंकर धारणा हेबो नाही जोग द्वारा ही आत्मर पाप दग्ध होइथाय दिनरे तो देह अभिमान रही थाए तेबे देही अभिमान हेबार अभ्यास केबे करिबा दरकार बाबा कहुछंती निद्रा को चित बाबा केते भल भल पॉइंट पूछाउछंती किंतु केतेक एभली संतान मध्य अछंती जो माने मुरली सुनुनाहंती पाठपढ़ा तो मुख्य अटे जेपरी भी हो मुरली पढ़ा दरकार किंतु एपरी भी नुहे जे विकारग्रस्त होउथिबो एवं मुरली भी मागुथिबो जे पर्यंत पवित्रतार ग्यारंटी न नेइछंती से पर्यंत मुरली मध्य पठाइबा उचित नुहे जो माने मुरली पढ़ुनांती सेमानंकर गति कौन हेबो भल भल पिला माने मध्य मुरली पढ़ुनांती किंतु निजकु ज्ञानी बोली भाभी निशा चढ़ा जाइथाय चढ़ी जाइथाय नचेत गोटिए दिन मध्य मुरली मिस करिबा उचित नुहे जदि धारणा हेउनाय तेबे बुझिबा दरकार जे देह अभिमान रहिछ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବାବା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା ତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ବଡ଼ ମମା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଶକ୍ତିମାନେ ସେବାର୍ଥେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ କନଫରେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ତ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର କେହି ପ୍ରତିନିଧି ନଥାନ୍ତି ଏହି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପିତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଅନେକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ପତନର କଳା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି ଉତ୍ଥାନର କଳା ତ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲି ଗୁରୁ ନାନକ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦୁକ ଅଟନ୍ତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି କେହି ବି ପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଅକାଳୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ କଙ୍କଣ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଉଭୟ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ନା ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ପଇତା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁକିଛି ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସେଥିରେ ପୁଣି ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ତ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ଥିଲେ ନା ଗୁରୁ ତ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଶିଖାଇଲା ବାଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ପତିତ ପାବନ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି ଜ୍ଞାନସାଗରଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଅଟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଦେବୀର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଅଟ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏବେ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ ପୂଜାରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ ପୁଣି ତୁମର ପୂଜାରେ ପୁଣି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବାବା ହିଁ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁନାହିଁ ପାଦେ ପାଦେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କର ଏହିସବୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ତ ରହିବ ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଅଟେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବି ତ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ଦୁନିଆ ହୋଇଥିବ ପାବନ ଦୁନିଆରେ ତ ପତିତ ରହିବେ ନାହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସତପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି ବାକି ଆଉ କେହି ବି ପତିତରୁ ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ଏବେ ଏପରି କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ ଯାହାକି ତୁମକୁ ପତିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଦେହ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବୁ ଏବେ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କର ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ
ग्रंथर मध्य रही चढ़ती कला तेरे भाने सर्वका भला अर्थात तुम मानकर उन्नति हेबा सहित समस्त कल्याण होता है। यही अक्षर बहुत भल कि जहाँ किसी पढ़ी चाक तो भूलवाक पड़ी था। बाबा तो पिला पूरा नाम मन ना कहीं शिव बाबा को याद करने को हेब से कहीदे खुशी रुह आबाद रुह ना भूल ना मत मन रख किंतु सेवाधारी पिला को बाबा याद निश्चय करते अमुक बहुत भल सहयोगी अटंती। साहूकार मैंने तो घोर अंधकार पड़ी कहीं जापार ना मृत्यु सम्मुखें उपस्थित भगवान वाच मु राजक शिखाऊ तो निश्चय ज्ञान द्वारा धनर देवी क्रमानुसार समस्त राजधानी स्थापना होमें मैंने जाचे क्रमानुसार आम समस्ते पाठ पढ़ु बाबा कहते मु राजधानी स्थापना करुच्ची अनेक धर्म विनाश कराऊँ जड़े ही परम सद्गुरु अटंती से उच्चर उच्च एकम्र भगवान बोली गायन रही। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान कहूना तेब रामकृष्ण को भगवान किपरि कहे सी तो होती ज्ञानर सगर पतित पावन भक्त भगवान को याद करी ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करचारी भक्ति होगला तेणु केते भल भल कथा धारण करार अच्छे सी कर जी कर सी पाइब तुम्हें मैंने ज्ञान गंगा अट से तुम पाख को समस्ते आसवे सगर तो कड़े जापर ना किंतु जड़ सगर यह हूँ चैतन्य अटे से जदि कौन तोफान लहड़ी उठिला तबे बहुत क्षति हो जाए बिना समय बहुत जोर तोफान आसव सब उपत्यका टापु आदि शेष हो डेरी लगे ना प्राकृतिक विपर्जय को से ईश्वरकृत बोली से कहुच ईश्वर द्वारा विनाश तेज ईश्वरकृत है किंतु बाबा कहते मुझे कौन सी निर्देश आदि देना यह सब ड्रामे निर्धारित तो हुए रही तोफान प्राकृतिक विपर्य आदि सब निज निजर काम करेंगे कल्प कल्प ये प्राकृतिक विपर्य आसवर अच्छी यहाद्वारा सब राष्ट्र शेष हो बाकी एकम्र भारत ही रही से प्रस्तुति चली रिलसल हो चल यहीपरि प्राकृतिक खेल या तुम्हें शिवशक्ति मान क्योंठा को जा बुझाई पार जे तुम्हें मैंने सब चाहू शांति स्थापना हो किंतु तुम्हें जाच शांति के सुख के दुख के सब बुझार कथा अटे एवं दुखधाम अटे यही भारत सुखधाम थाए एठारे आदि सनातन देवीदेवता मान राज्य कलिजुग हो दुखधाम यार विनाश निश्चय होबार अच्छे प्रथम अंत हो पुणी आदि होबार अच्छे मध्य रही अनेक धर्म सत्ययुगरे गोटे धर्म थिला यह ड्रामार चक्र अटे एथिरे चारोटी मुख्य धर्म रही गोटे धर्म प्राय लोप हो जाए देवता धर्म स्थापनाकर्ता किए एक कथा कह परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराऊंट वास्तव में तुम्हें प्रजापिता ब्रह्मा संतान अट शिवंकर संतान अट तुम्हें ब्रह्मा संतान होता कारण परस्पर भितर भाई भौणी अट तुम्हें जाचो जमे तांकर हो जाऊ परमपिता परमात्मा प्रथमे ब्राह्मण धर्म रचना रचुचंती ब्राह्मण धर्म होचे चुटी एवं अन्य सब धर्म परे क्रमानुसारे आसुचंती शेषरे तुम्हारा प्रत्यक्षता निश्चय हेबो। अच्छा धारणा पाई मुख्य सारांश एक नंबर ज्ञानर धारणा करिबा पाई जे दूर जिते दूर संभव देही अभिमानी हो रहिबार अछि अशरीर हेबार अभ्यास रात्रि उजागर हो करिबार अछि। दुई नंबर जेपरी भी हो मुरली प्रत्यय शुणिबाक हेबो बा पढ़िबाक हेबो गोटे दिन मध्य मुरली बंद करिबार नाही अन्य संग तुटाई जनक संगरे संबंध जोड़िबार प्रतिज्ञा करिबाक हेबो। बरदान बिंदु स्वरूप स्थित रही उड़ीबार कळारे उड़ुथिबा डबल लाइट सर्वदा एक कथा स्मृति रख जे मु बाबांकर नयनर तारा अटे एवं नयनर केवल तारा अर्थात बिंदु ही समाहित हो रही पार आखि द्वारा देखिबार विशेषता मध्य बिंदुर ही अटे बिंदु रूप से स्थित होबार ही उड़ीबार कला प्राप्त करिबार आधार तेणु बिंदु हो प्रत्येक कर्म करने द्वारा हालुका हो पार तुमको कौन सी प्रकार बोझ उठाइबार अभ्यास करने उचित नुहे
मोर कहिबा परिवर्ते तोर कह तेबे डबल लाइट स्थिति रे रहिबो। सो उन्नति बा सेवा विश्व सेवा कार्यर बोझ अनुभव हेबो नाही। श्लोका विश्व परिवर्तक ताकू कह जिवो जो माने नकारात्मक को सकारात्मक रे परिवर्तन करी देउथिबे। अच्छा ओमशा।